हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग हाई स्कूल के जो सिलेबस इंग्लिश की है पैराग्राफ राइटिंग के, उसमें जो माय मदर जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आइए स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही बढ़िया से यहाँ बताया गया है। गॉड कैन नॉट रीच एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर। भगवान सब जगह नहीं पहुँच सकते इसलिए उन्होंने माँ बनाया। This is the reason that mother is the embodiment of compassion. Embodiment means मूर्ति या अवतार, और compassion means दया या करुणा। यही वजह है कि माँ करुणा की मूर्ति होती है। Therefore, mother's relation is the most precious among all relations. इसलिए माँ का रिश्ता सभी रिश्तों में सबसे ज़्यादा अनमोल है। From our birth till our whole life, mother takes care of us a lot. हमारे जन्म से लेकर सारी उम्र तक माँ हमारा बहुत ख्याल रखती है। She never finds rest in her life to meet our needs. हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह अपने जीवन में कभी आराम नहीं कर पाती। She takes care of our food and drink. वह हमेशा खाना पीना का ख्याल रखती है हमारा। She worries a lot when our health deteriorates. Deteriorates means बिगड़ना या खराब होना। हमारी तबीयत खराब होने पर वह बहुत चिंता करती है। She struggles a lot for our happiness. वह हमारी खुशियों के लिए बहुत संघर्ष करती है। She lives many relationships in her life. माँ अपने जीवन में बहुत सारे रिश्तों को जीती है। शी मैनेजेस टू हाउसेज वेल इन हर लाइफ। वह अपने जीवन में दो घरों को भली भांति संभालती है। रियली मॉम यू आर ग्रेट। सही में माँ तुम बहुत महान हो। वॉट एवर आई एम टूडे इट इज़ द रिजल्ट ऑफ मदर्स स्क्रामेंट्स एंड स्ट्रगल्स। आज मैं जो कुछ भी हूँ यह माँ के संस्कारों और संघर्षों का फल है। तो स्टूडेंट्स, यही पैराग्राफ राइटिंग माई मदर की है, जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और इसकी राइटिंग अगर आप कर लेते हैं एग्जाम में तो आपको पूरे पूरे मार्क्स आने की संभावना रहती है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।